कोरोना जैसे बड़े बीमारी से जूझ रहे थे तब ये राहुल गांधी कहाँ था, और अभी भीख मांग रहा हमें प्रधानमंत्री बना। जितना मोदी ने कर दिया उतना किसी की औकात नहीं है करने। वो दलाल यूट्यूबर है जो पैसा लेकर जनता के सामने मोदी का इमेज खराब कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जब हमारे सामने बड़े से बड़े हस्ती हाथ जोड़कर वोट की भीख मांगती हुई हमसे फिर से बड़े से बड़े वादे कर रहे हैं। और हमें अच्छे से पता है कि ये लोग चुनाव जीतने के बाद इन वादों को हमेशा की तरह कभी पूरा नहीं करेंगे। एक और बात जो हमेशा हमारे दिमाग में खटकती है कि ये सभी नेता इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों वादे करते हैं? ये लोग चुनाव से पहले ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे जनता इन पे आंख बंद करके भरोसा करे और वोट दे? ये लोग चुनाव के टाइम पे खूब सारा पैसा उड़ाते हैं, जैसे कि हर राज्य में अपनी रैली निकलवाते हैं, गांव सड़कों गलियों में प्रचार करवाते हैं, अपना पोस्टर छपाते हैं और टीवी में एड्स भी चलवाते हैं, और इन सब में खर्च होने वाला पैसा करोड़ों से भी ज्यादा है। ये लोग चुनाव के टाइम पे खुद के प्रचार और एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वही चुनाव से पहले जनता के लिए कभी करोड़ों रुपए खर्च नहीं करते। अब एग्जांपल के लिए राहुल गांधी को ही ले लो, इन्होंने चुनाव से पहले जनता की भलाई के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। यहाँ तक जब हमारा देश एक बड़ी बीमारी कोरोना से जूझ रहा था और लोगों के पास इलाज करवाने का पैसा नहीं था और हजारों लोग रोज मर रहे थे, तब ये राहुल गांधी कहाँ थे? जब हमारे देश में लॉकडाउन लग गया था और अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में रहने वाले मजदूरों के पास, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के पास खाने पीने का पैसा ना होने के कारण वो उस राज्य से भूखे प्यासे भाग के अपने घर आ रहे थे, और बहुत से लोग अपने घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ दे रहे थे, तब ये राहुल गांधी कहाँ थे? जब जनता भूख बीमारी और मौत से लड़ रही थी तब राहुल गांधी कहाँ थे? जब कोरोना हमारे देश के हर व्यक्ति के दिल में डर पैदा कर दिया था तब ये राहुल गांधी कहाँ थे? और अब चुनाव का टाइम आ गया तो ये मोदी की बुराई करते हुए बताते हैं कि मोदी अंडानी और अंबानी जैसे लोगों को करोड़पति बनाया है, लेकिन अगर आप लोग इस बार हमें प्रधानमंत्री बनाते हो तो महालक्ष्मी धन योजना के तहत मैं अपने देश के हर जनता को लखपति बनाऊंगा। हर महिला के खाते में सालाना 1,00,000 रुपया होगा, और मोदी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि ये उनके हैं और हम आपके हैं। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। फर्क समझो, मैं आपका हूँ, वो उनके हैं। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि मोदी अंडानी और अंबानी जैसे लोगों के हैं, लेकिन आप तो ना अंडानी और अंबानी के हो और ना ही अपने देश के जनता के। क्योंकि अगर आप जनता के होते तो जिस टाइम पे हमारे यहाँ कोरोना आया था और पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तो आप भाषण देने के बजाय लोगों की मदद करते, तो जनता मानती कि आप हमारे हैं। लॉकडाउन के टाइम जितना मदद मोदी ने किया उनमें से कोई एक ही मदद आप कर देते तो जनता मानती कि आप हमारे हो। लेकिन ना ही आपने किसी की पैसे से मदद की और ना ही कहीं पर राशन बंटवाया, और ना ही कहीं फंसे हुए लोगों के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया जिससे वो अपने देश, अपने राज्य और अपने घर सही सलामत पहुंच सके। तो आपने किया क्या है देश के लिए और देश की जनता के लिए? जनता आपको वोट क्यों देगी? और बहुत से लोगों का हमसे सवाल ये होगा कि राहुल गांधी तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे ही नहीं, तो ये जनता की भलाई क्यों करते? दोस्तों, अपने देश की जनता की भलाई के लिए प्रधानमंत्री होना जरूरी नहीं है। राहुल गांधी से अच्छे तो वो लोग थे जो लॉकडाउन का टाइम पे जनता का कई तरीके से मदद कर रहे थे, कहीं खाना बांट रहे थे, कहीं राशन बांट रहे थे, तो कहीं राह चलते जनता का लिफ्ट देकर मदद कर रहे थे। उस टाइम पे राहुल गांधी कहाँ थे? उस समय किसी ने नहीं देखा होगा कि ये राहुल गांधी किसी भी गरीब को एक बोतल पानी भी पिलाया हो। फिर क्यों इस टाइम पे प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता से भीख मांग रहे हैं और उनको लालच दे रहे हैं? और ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने कर दिया है वो ना ही किसी पीएम ने आज तक किया है और ना ही कभी कोई करेगा। इन्हीं कामों की वजह से नरेंद्र मोदी अपने देश की जनता के दिलों पे राज करते हैं, और देश की जनता के दिल से नरेंद्र मोदी को निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए राहुल गांधी मोदी के खिलाफ साम दाम दंड भेद वाला गेम खेल रहा है। ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर के साथ मिलकर और उनको खूब सारा पैसा देकर जनता की नजरों में मोदी का इमेज खराब करवाना चाहते हैं। लेकिन चाहे कोई भी गेम खेल ले, सर से लेके पांव तक का जोर लगा ले, लेकिन जीतेगा तो सिर्फ आप लोग कमेंट करके बताओ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पैसा और ज्ञान में बड़ा कौन है? आपका आंसर होगा ज्ञान। दोस्तों, अगर आपका आंसर ज्ञान है तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो, आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर एक बार मोदी सरकार।